नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर के बारे में। आखिर क्या होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर, क्यों ज़रूरत है प्रोडक्शन डिज़ाइनर की, क्या काम है इनका, और यदि आपकी भी रुचि है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, प्रोडक्शन डिज़ाइनर वह व्यक्ति है जो किसी भी फिल्म या सीरियल के बैकड्रॉप के लिए जिम्मेदार होता है, या आप उसको स्क्रीन का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनर दर्शकों को महसूस कराता है कि कहानी का पात्र या उसका जो कैरेक्टर है वो किस समय में है या किस जगह पर है। यह प्रोडक्शन डिज़ाइनर की ही जिम्मेदारी होती है कि वह उस कैरेक्टर का लुक उभारे। यानी अगर किसी लड़की का कमरा हम देखते हैं तो वह कमरा उस लड़की के नेचर के हिसाब से हो, उस कमरे को देख करके लग जाना चाहिए कि हाँ, इसमें रहने वाली लड़की का नेचर क्या होगा, उस लड़की का क्या रोल होगा। ये सारी चीज़ें उसके कमरे को देखकर ही आपको पता चली जाएंगी। प्रोडक्शन डिज़ाइनर का मेन क्रिएटिव रोल होता है किसी भी फिल्म, सीरियल या किसी भी मोशन पिक्चर में। प्रोडक्शन डिज़ाइनर फिल्म के डायरेक्टर, DOP या सिनेमेटोग्राफर या कैमरामैन और प्रोड्यूसर के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनर शब्द विलियम कैमरन मैनजीज द्वारा 1939 में गढ़ा गया था, जब वह फिल्म गॉन विद द विंड पर काम कर रहे थे। हालांकि सटीक रूप से देखा जाए तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर किसी भी फिल्म या सीरियल के लुक का कंसेप्ट तैयार करते हैं, जबकि आर्ट डायरेक्टर उस फिल्म के उस लुक को बनाने का काम करते हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और लाइट डिज़ाइनर के साथ किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर के अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस होता है स्क्रिप्ट रीडिंग। सबसे पहले प्रोडक्शन डिज़ाइनर स्क्रिप्ट पढ़ता है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह उसमें से शॉर्टलिस्ट करता है कि कौन से सीन इंडोर हैं, कौन से आउटडोर हैं, कौन सा व्हीकल लगना है या कौन सा ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल करना है या कौन कौन सी लोकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है इस सीन को हाईलाइट करने के लिए। दोस्तों, फिल्मों या सीरियल में जो सेट आप देखते हैं उसमें से कुछ सेट लगाए जाते हैं, कुछ रेडीमेड लोकेशंस को मॉडिफाई किया जाता है और कुछ चीज़ों को विजुअल इफ़ेक्ट्स में निकाला जाता है, जिससे कि उस फिल्म का या उस सीरियल का बजट माइनस हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लुक दिया जा सके। सीन के आधार पर प्रोडक्शन डिज़ाइनर के पास एक अलग दृष्टिकोण और आधार होता है, जिसको वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन इन सब के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि इसको कम से कम बजट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जा सके। दूसरे स्टेप में प्रोडक्शन डिज़ाइनर रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन आने के बाद, वो उस चीज़ पर बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ कहीं से गलत ना लगे और आप महसूस करें कि आप उसी एरा में घूम रहे हैं या उसी जगह पे आप इन्वॉल्व हैं। मूड बोर्ड बनाने के लिए वो इसमें स्केचेस, फोटोज़, कपड़े, मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन डायरेक्टर या कैमरामैन या प्रोड्यूसर या इन सब के साथ मिल करके किया जा सके। मूड बोर्ड एक बहुत ही पावरफुल जरिया होता है किसी भी चीज़ को बारीकी से परखने के लिए। इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइनर को स्क्रिप्ट के आधार पर एक ठोस स्थान या सेट तैयार करना होता है। यह सेट ऐसा होना चाहिए कि इसको जब समय पड़े, जब हम जिस प्रकार से चाहें इसको मॉडिफाई कर सकें, और यह एक निश्चित बजट में ही किया जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है किसी के पास। आपका बजट जितना कम होगा, आपका सक्सेस रेट उतना ज़्यादा होगा। आप जितना प्रोड्यूसर का पैसा बचाएंगे, आपको उतना ही काम अच्छा मिलेगा और आपकी उतनी ही तारीफ होगी। आप बजट भगाएंगे, आपको काम मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका धीरे धीरे फ्यूचर प्रभावित हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप बजट कॉन्शियस रहें और प्रोड्यूसर के बजट में ही काम करें। सेट डिज़ाइन करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा सेट
कहानी के हिसाब से हो, उस कहानी के फ्लो को वो आगे बढ़ाए और उस पर कहीं से हम ओवर बजट ना जाएं और ओवर ड्रेसअप ना हो वो सेट, उस पर फालतू की चीज़ें ना भरी हुई हो, फ्रेम भरने के लिए बहुत ज़्यादा उसको क्लटर्ड नहीं करना चाहिए। जहाँ सीन की डिमांड हो, आपका करेक्टर उस हिसाब से हो, आपको वहीं पे उसको क्लटर्ड करना चाहिए। और जितना सिंपल सेट आप रखेंगे उतना अच्छा लगता है सेट और वो फिल्म। प्रोडक्शन डिज़ाइनर की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि वह हमेशा सेट पर उपस्थित रहे, लेकिन अगर यदि वह उपस्थित नहीं है तो वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर रख सकता है ताकि किसी भी प्रकार की बाधा हमारे शूटिंग में न उपलब्ध हो। एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर कभी अलगाव में काम नहीं करता है, वह अपने आर्ट डायरेक्टर को साथ लेकर के चलता है। आर्ट डायरेक्टर एक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और प्रोडक्शन डिज़ाइनर अपनी टीम का हेड होता है। वह आर्ट डायरेक्टर के साथ मिलकर प्रोडक्शन के बजट के हिसाब से डिसाइड करता है कि हमारे टीम में कितने मेंबर होंगे, कितने सेटिंग बॉयज़ होंगे, कितने प्रॉप मास्टर होंगे, कितने रनर होंगे, कितने टेपिस्ट होंगे, या सेट लगाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब सारी बातों का ध्यान प्रोडक्शन डिज़ाइनर को ही रखना पड़ता है और इन सब को करने के बाद ही एक अच्छी फिल्म का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आर्ट डायरेक्टर की जो भूमिका होती है वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के विजुअलाइजेशन को समझकर उसको उस सेट पर उभारने की होती है। आर्ट डायरेक्टर अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर का विजुअलाइजेशन समझता है, उसके हिसाब से वो सारी टीम इकट्ठा करता है, उसके हिसाब से वो सेटिंग बॉयज लाएगा, रनर लाएगा, मिस्त्री लाएगा, टेपिस्ट लाएगा, मोल्डर लाएगा, या सेट पे जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के हिसाब से आर्ट डायरेक्टर का काम होता है कि उसको सही से करके दे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार करके इसको और आगे बढ़ाया जाए। या आपको कोई भी डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर के हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, आपको सारा रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।